गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं जस्टिस लोडा रिफॉर्म चैनल से राकेश अंडा बोल रहा हूँ। और जो आज के इश्यूज़ हैं वो पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन पे ही चल रहा है, और पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन में स्पेसिफिकली हम आज पटियाला क्रिकेट एसोसिएशन की बात करेंगे, जिसमें ये बहुत सालों से एक फ्रॉड चल रहा है। क्योंकि जो बॉडी थी वो रजिस्टर्ड बॉडी नहीं थी, और ट्रस्ट थी जो रजिस्टर्ड बॉडी थी उसको साइड पे करके इन्होंने 88 से एक ट्रस्ट बनाई पटियाला क्रिकेट एसोसिएशन, और जिसके पटियाला डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन जिसके डॉक्यूमेंट थे उसको लगा के इन्होंने जो लोगों ने काम किया उन्होंने एक बहुत फ्रॉड काम किया और बहुत तरीके से काम किया। ये तो बहुत हमारी किस्मत अच्छी, हमें डॉक्यूमेंट मिल गया, अदरवाइज ये तो चलता रहता, 100 साल चलता रहता। ये 42 ईयर से ये चल रहा है 88 से। तो ट्रस्ट में पैसे भी ट्रांसफ़र हुए और ट्रस्ट ही चलाती रही पटियाला क्रिकेट एसोसिएशन, ये ट्रस्ट थी बेसिकली। अब हमने एक क्रिकेटर्स ने मिलके एक पटियाला क्रिकेट एसोसिएशन, जो इन्होंने कह बोला है कि हमारी रजिस्टर्ड बॉडी है जिसके रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट भी दिए साथ, वो किसी और कंपनी के सर्टिफिकेट लगा के उसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लगा के दिया, वो भी गलत था। तो हमने पटियाला क्रिकेट एसोसिएशन जो सोसाइटी ऑफ रजिस्ट्रार सोसाइटीज़ में वो नाम खाली था उसमें हमने वो रजिस्टर करा लिया। जब ये रजिस्टर हो गया, अब मैं रिक्वेस्ट करूँगा जो हमारी पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन है उनको रिक्वेस्ट करूँगा कि इस बॉडी को अब एफिलेट किया जाए, और जो पटियाला में क्रिकेट आज की डेट में जो 6-8 महीने साल से रुकी पड़ी है उसको ये नई बॉडी जो है वो एक रन करे, जिसमें क्रिकेटर्स हैं, जो क्रिकेट प्रमोटर्स हैं और जो कि बहुत अच्छी तरीके से चला सकते हैं, उनमें तो जो ऑलरेडी कुछ बैंक में जॉब किया हुआ जिन्होंने, जिनको एडमिनिस्ट्रेशन की नॉलेज भी है, जिनको लीगल नॉलेज भी है। और मैं रिक्वेस्ट करूँगा जो एपेक्स बॉडी कल मीटिंग करने जा रही है उसमें जो हमारे ICA के मेंबर हैं स्पेसिफिकली, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि उसको उठाया जाए मुद्दे को, कल बोला जाए कि ये इसको एफिलेट किया जाए और उनकी जो फंडिंग है, जो उन्होंने पैसे लिए हुए हैं, जो ट्रस्ट में पैसे लिए हैं, उसको वापस मंगवाया जाए, और जिन लोगों ने ये काम किया उनका लाइफ टाइम बैन किया जाए, उनकी PCA की मेंबरशिप, उनके सारे कारनामे जो हैं कल खोले जाए। क्योंकि एपेक्स में ये डेफर होते रहते मैटर, ये मैटर डेफर होंगे तो उससे क्रिकेट का भला नहीं होगा, और ये पब्लिक बॉडी है, इसमें किसी का पर्सनल इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए और पर्सनली किसी को सेव नहीं करना चाहिए। क्योंकि क्रिकेट का ये पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन क्रिकेट की प्रमोशन के लिए आई है, इनमें पर्सनल इश्यूज़ जो है वो सारे के सारे साइड पे करके अब पटियाला क्रिकेट एसोसिएशन जो कि बेस था क्रिकेट का इंडिया में, महाराजा पटियाला ने जो शुरू किया था और जिसमें कुछ लोगों ने आके धांधली की, उनको भी साइड किया जाए, और उनके जो कारनामे जो धांधलियाँ उन्होंने 2 साल से और की हैं, जो भी उन्होंने क्रिएट किया है, जो ऑनरी सेक्रेटरी लेके आए, जैसे भी उन्होंने मैनुपलेशन किए हैं, उन मैनुपलेशन को खोला जाए और खोल के उस मैनुपलेशन से ये सारी बातें बाहर आएँ और काम क्रिकेट के लिए, क्रिकेट की डेवलपमेंट की तरफ चला जाए। क्योंकि क्रिकेट की डेवलपमेंट तब तक नहीं हो सकती जब तक ये लड़ाई ख़त्म नहीं हो गई, और ये लड़ाई बढ़ती जा रही, क्योंकि डॉक्यूमेंट इतने बार आ जाते हैं कि उस पर इतने सीरियस डॉक्यूमेंट्स हैं सारे, एक से एक, कभी मुल्लांपुर का पेपर है, कभी जलंधर डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के डॉक्यूमेंट है, कभी पटियाला के हैं, मोहाली के हैं, ये सारे इश्यूज वंस फॉर ऑल ख़त्म कर दिए जाएं। मैं प्रेसिडेंट से भी रिक्वेस्ट करता हूं, अदरवाइज़ ये सारी की सारी बातें प्रेसिडेंट पे आएंगी, क्योंकि जो बिजनेसमैन भी हैं, पद्मश्री भी हैं और एक कॉरपोरेट को रन करते हैं, और उन पर एलिगेशन भी आ सकते हैं, क्योंकि ये अगर कॉरपोरेट को रन करने वाला बंदा ही अगर गलती करता है तो फिर बाकी हम केस कैसे एक्सपेक्ट करेंगे। एक तरह तो ट्राइडेंट की बातें करेंगे, हम क्रिकेट सारी स्पॉन्सर करेंगे, अगर बॉडीज़ ठीक नहीं होंगी तो क्रिकेट कैसे स्पॉन्सर हो जाएगी। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि इस बॉडी को अब ठीक किया जाए और पटियाला वाले को जो नई बॉडी उसको एफिलेट किया जाए और उनको दिया जाए, क्योंकि वो क्रिकेट को आगे क्रिकेट की बातें करें और क्रिकेट सुधारें जो पटियाला में रुकी पड़ी है। पटियाला क्रिकेटर जो सफ़र कर रहे हैं, बहुत देर से जो सफ़र कर रहे हैं, और ग्राउंड मेंटेन हो, ग्राउंड की जो कमांड है उनको दी जाए, जो नई बॉडी है और उसको तरीके से चलाया जाए। थैंक यू वेरी मच। अब दूसरी वीडियो में डालूंगा कुछ क्रिकेट की प्रमोशन से। थैंक यू।